नमस्कार, खेती किसानी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन फसलों के प्रबंधन के बारे में और जानेंगे कि किन उपायों को अपनाकर किसान खेती में ज्यादा लाभ आगे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम सोनकस भुइयां। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एग्रो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नरेंद्र पांडे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नरेंद्र जी। किसानों के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई भी मौसम बेकार नहीं जाता है, जब या तो उसकी फसल तैयार हो रही हो या जब फसल लेने के बाद में उसकी खेती किसानी की जो जमीन है वो खाली पड़ी हो। ऐसे में अभी क्या स्थिति देखते हैं आप? अभी अगर हम खेती किसानी के ग्रीष्मकालीन प्रबंधन पर बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर किसान को फोकस करना चाहिए? आपसे बताएं कि इस समय मुख्य रूप से हमारे पास अगर किसानों के खेत में जाएंगे तो आप पाएंगे कि धान लगी होगी या उड़द लगा होगा या मूंग लगा होगा, तो इस तरह की फसलें हैं। बहुतायत में तो ज्यादातर किसान हमारे इस समय गर्मी की धान बहुत लेते हैं, करीबन 1,49,000 हेक्टेयर भूमि में इस समय धान की खेती लगी होगी। तो उसमें धान में इस समय दो या तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस मैं कर पा रहा हूं। बोने का समय तो निकल गया, कितनी अंतराल में लगाना है, कितने पौधे लगाना है, कैसे लगाना है, ये तो किसान हमारे कर चुके हैं जी। अब उनके पास दो चीजें बचती हैं। सबसे पहली चीज तो बचती है कि उसमें जल का प्रबंधन कैसे करें और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आजकल खाद बहुत महंगी हो गई है और किसान भाइयों को हमारे समझना चाहिए कि हमारे खाद या पानी ज्यादा देंगे मतलब ज्यादा नुकसान कहेंगे। दो ही चीजें हैं, नुकसान या फायदे के बीच में दो ही चीजें खड़ी होती हैं, या तो हम ज्यादा पैदावार ले लें और लागत को कम कर दें। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि स्फुर और पोटाश जैसे खाद तो हमारे किसान भाई धान में डाल चुके होंगे। अब उनके सामने आती है नाइट्रोजन की, विशेष रूप से सामान्य रूप से हमारे किसान भाई जो भी गर्मी की धान लेते हैं वो 70 क्विंटल से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार को मान के लेते हैं, इतनी पैदावार होना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो करीब करीब 120 से 140 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 60 से 80 किलो स्फुर की आवश्यकता पड़ती है और 50-60 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। पोटाश और स्फुर हमारे किसान भाई डाल चुके होंगे। नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, नाइट्रोजन एक ऐसा उर्वरक है जिसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हमारे किसान भाई अगर कितना भी ज्यादा व्यवस्था कर लें फिर भी नाइट्रोजन एक ऐसा उर्वरक है कि उसकी जो उपयोग क्षमता है 50% से ज्यादा वो नहीं कर पाते, इवन वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा डाल देते हैं तो भी उसका नुकसान होता है, ज्यादा डाल दें तो भी नुकसान होता है और एक्चुअली जैसे जितना ज्यादा आप डालते जाएंगे नुकसान उतना ही बढ़ता जाता है। अच्छा। और 50% से ज्यादा का इस्तेमाल हो पाता है। अगर हमने 100 किलो डाला है तो ये मान के चले कि हमारे धान पौधे ने 50 किलो तक लिया होगा, बाकी नुकसान चली गई होगी, चाहे वो हवा में उड़ जाए या पानी के साथ बह जाए। तो उसी के हिसाब से मात्रा फिर क्या तय करता है किसान कि हमारे ये फसल को मान लीजिए अभी 50% चाहिए तो हम उसका डबल देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आधी मात्रा ही लगने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी तरह से सिफारिश भी की जाती है कि ये मालूम है कि इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी क्षमता उपयोग क्षमता कम है, उस हिसाब से हमारे किसान भाई उसकी सिफारिश भी की जाती है। और नाइट्रोजन को इसीलिए कई बार कई भागों में बांट के दिया जाता है जी। और ये धान में तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा ये समस्या आती है क्योंकि कई बार पानी भरा रहता है, कई बार गर्मी रहती है या पानी डालना पड़ता है, फिर सिंचाई करना पड़ता है, इसलिए समस्याएं कई बार बढ़ जाती है। बिल्कुल नरेंद्र जी, अगर हम ग्रीष्मकालीन प्रबंधन में जैसा कि आपने बताया एक उर्वरक की जो समस्या आती है दूसरी पानी की बात आती है। बिल्कुल, बहुत तेज गर्मी शुरू हो चुकी है और ऐसे समय में जहां पर पानी का प्रबंध मान लीजिए पर्याप्त नहीं हो पाया या अचानक सूख गया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ऐसे में क्या वही किसान खेती करते हैं जिनके पास वास्तव में सही तरीके से जल प्रबंधन है? नहीं तो नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले ऐसे किसानों को ही खेती करना चाहिए जिनके पास गर्मियों में, विशेष रूप से गर्मियों में है, तो अगर किसान के पास जल नहीं है, सिंचाई के संपूर्ण सुविधा नहीं है,
तो उसको गर्मी की फसल लेना उचित नहीं है जी, क्योंकि वो लागत तो लगा देगा लेकिन उसको हो सकता है कि कुछ फायदा ना हो या फसल आए ना। पर फिर भी जहां तक के मैंने इन सारी फसलों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, तो पहले हम धान की बात कर लें तो किसान भाइयों को कम से कम नाइट्रोजन को 3 या 4 बार में देना चाहिए। पहले एक दो डोज तो उन्होंने दे दिया होगा और बाकी जो है ये जब गठान आती है कन से ये गठान जब बनती है उस अवस्था में जरूर उनको उर्वरक देना चाहिए जो भी बचा हुआ हो। अब तो ये मेरा ख्याल है कि आखिरी डोज होगा नाइट्रोजन का। और सामान्य रूप से माना जाता है कि अपनी पौधे के जीवन काल का आधे समय में जो भी जितना उसको खाना खुराक देना है उसको दे देना चाहिए, बिल्कुल, जिससे उसकी पैदावार अच्छे से अच्छी हो सके। ये हमारे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसके बाद वो इंतजार नहीं करें कि हम बाद में देंगे तो हमको पैदावार मिलेगी, क्योंकि अगर बचपन में उसको नहीं खिलाया जाएगा फिर बाद में देने से कोई फायदा नहीं। हाँ, बाद में तो उसको खाली जिंदा रखा जा सकता है, मतलब उसकी जो क्षमता होनी चाहिए थी वो नहीं रह पाएगी। जैसा हम तो किसानों से जब भी बात करते हैं तो उनको हम यही हमेशा सलाह देते हैं कि जिस तरह आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यही मैं कहने वाली थी डॉक्टर साहब, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चों को आपने बचपने में उचित खान पान नहीं दिया, उनकी ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर बाद की जो खान पान है उतना असर नहीं डालती है। धान से अलग हटकर अगर हम देखें, जैसा कि आपने बताया कि कई जगह पर मूंग या उड़द भी किसान इस सीजन में लगा चुके हैं, उनके लिए क्या सावधानी है? एक्चुअली जो इस समय हमारे मूंग या उड़द जैसी जो फसलें हमारे किसान भाई लगा चुके हैं उनके लिए तो अब मूंग में तो सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि शुरू में ही सारी खाद डाल दें, क्योंकि उसमें जितनी भी मात्रा है वो शुरू में ही डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन तो पौधे हमारे मूंग या उड़द जैसे जो फसलें रहती हैं वो नाइट्रोजन तो काफी कुछ हद तक वो वायुमंडल से ले लेते हैं, इसलिए कम मात्रा डाली जाती है और शुरू में डाली जाती है कि जब तक पौधे उसके ग्रंथियां नहीं बने जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले सकें। अब उनको सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। पानी बहुत आवश्यक पहले होता है, विशेष रूप से दलहनी जितनी भी फसलें हों, चाहे वो गर्मी की हों चाहे ठंडी की हों, केवल दोनों में अंतर इतना आता है कि ठंड में चूंकि टेम्परेचर कम रहता है या तापमान कम रहता है उस समय ज्यादा दिनों के अंतराल के बाद पानी देना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में इस समय टेम्परेचर जहां 40 डिग्री या 42 डिग्री चल रहा है वहां पे मैं समझता हूं कि 7-8 दिन के अंतर में उनको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, ये पूरे संसार में जो नई सोच चल रही है कि पानी को बचाना भी है इसलिए ज्यादा पानी देना उचित भी नहीं है, और ज्यादा पानी देने से विशेष रूप से सभी फसलों को ही नुकसान होता है। धान को अगर हम थोड़ा सा कम नुकसान के दायरे में रख लें या कहें कि उसको लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है या वो सहन कर लेती है चीजों को, लेकिन फिर भी दलहनी और तिलहनी फसलें या कई जगह तिल भी लगी हो सकती है तो उनको करीबन 8 से 10 दिन के अंतराल में लगातार पानी देते रहें। और एक चीज का जरूर ख्याल रखने की आवश्यकता होती है और ये उनको वास्तव में अभी उन किसानों के लिए भी ज्यादा आवश्यक है जिन्होंने खेत में कोई फसल नहीं लगा के रखी है। अच्छा, उन किसानों से मेरा ये आग्रह है कि अपने खेत का समतलीकरण कर लें, क्योंकि बहुत सारी पैदावार के हमारे जो नुकसान होते हैं जब हमारा खेत समतल नहीं रहता है तो जहां पानी भर जाता है वहां पे फसलों का नुकसान होता है, इसलिए जल प्रबंधन को अब आने वाले समय में बहुत विशेष रूप से देखना पड़ेगा हर किसान को, और एक एक बूंद के पानी का हिसाब रखना होगा जो हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं जी। अगर इन मूंग और उड़द की बात अगर हमने की है, एक जो जिक्र आपने किया नरेंद्र जी कि जो कुछ भी फसल नहीं लगाए हैं वहां पर किसान ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने खेत को, तो आगे जब वो अपनी नई फसल की तैयारी करते हैं और इस समय की अगर लापरवाही से छोड़ा गया खेत है तो क्या उनको फिर नई फसल जब वो लगा रहे होते हैं उस समय पर मेहनत करनी पड़ती है, या इस समय अगर सावधानी रखते हैं तो उस समय आसानी से वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। एक किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो किसान हमारे फसल नहीं ले रहे हैं उनके खेत खाली पड़े हुए हैं उनको ये समय जो है वो हमारे खेत को ठीक तरह से तैयार करने में लगाना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीजें, हम रबी की इसमें खरीफ और रबी और
की फसलों के प्लानिंग करने में लगाना चाहिए। वास्तव में क्या होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ के समस्याओं को हम जब देखते हैं तो हमारे पास दो फसली रकबा बहुत कम हो जाता है, और दो फसली रकबा करीबन मैं समझता हूँ आधे से भी कम रह जाता है, और उसकी मुख्य वजह यही मैं समझ पाता हूँ कि अगर हमारे एक सोच में अंतर लाने की आवश्यकता होती है कि हमें दो फसल लेना है, और जिस दिन हमारे किसान भाई ये सोच में अंतर ला लेंगे कि हमें दो फसलें लेना है तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, और अगर दो फसल लेना है तो उसकी तैयारी भी शुरू से ही करना पड़ती है। तो दो चीजें मैं इसमें किसान भाइयों को बड़ा स्पष्ट रूप से उनसे निवेदन करना चाहूंगा। पहला तो हमारा आग्रह यह है कि गर्मी में जहां नमी है, जहां ट्रैक्टर चल सकते हैं वहां तो जुताई करते, लेकिन अगर वहां उनके पास ये साधन उपलब्ध नहीं है तो जैसे कभी इनको पानी गिरता है उसके बाद एक जुताई कर दें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो जब जुताई करते जाएंगे तो जो खरपतवार हैं वो उगते जाएंगे, और बाद में आने वाले समय में वो जुताई से वो खरपतवार खत्म होते जाएंगे। दूसरा ये, जब इस समय इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो कीड़े मकोड़े जैसे जमीन के नीचे पड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीड़े मकोड़े भी ऊपर आ जाएंगे और वो कीड़े मकोड़े भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तो एक पहलू हुआ हमारा कि हमारे खेत में एकाध बार जैसे उनको पानी मिलता है, किसानों के साथ कंपल्सन नहीं है क्योंकि बहुत सारी उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो हम यहाँ बैठ के बात भले हम कर लें लेकिन जब किसान के खेत में जाते हैं, किसान से बात करते हैं तो किसानों की बातें सुनते हैं, तो इस चीज का एहसास होता है कि उनकी समस्याएं शायद बहुत बड़ी है, अन्यथा वो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हमारी आमदनी कम हो। बिल्कुल, लेकिन कई बार जानकारी की भी कमी हो जाती है नरेंद्र जी, जैसा कि अभी हमने आज प्रबंधन पर चर्चा की है, खाली पड़े खेत को अक्सर हम देखते हैं कि किसान क्यों ही छोड़ दिया जाते हैं। हो सकता है हमारी इस जानकारी से थोड़ा सा लाभ मिले, कुछ और भी ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं आपसे जानकारी लूंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में। किसानों के लिए खेती फायदे की ही हो इसलिए प्रबंधन बेहद जरूरी है। अगर वो बीज के प्रबंधन की बात करें, चाहे फसल के प्रबंधन की बात करें, या फिर वो अपने खेत के ही प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन ही उन्हें आगे चलकर एक अच्छा फायदा देता है। प्रबंधन की हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र जी क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसान ने जब एक फसल ले ली और उससे उसको फायदा हो गया तो उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के मूड में होते हैं और फिर नई फसल की तैयारी पर, कई बार ये होता है कि खेत जो है ऐसे ही पड़ा रह जाता है। खेत की जब आपने चर्चा की कि उसकी जब हम गहरी जुताई करके छोड़ दिया जाता है ऐसे समय में तो उसके अंदर में जो कीटाणु है वो नष्ट होते हैं, पानी गिरने के बाद खरपतवार नष्ट होता है, ऐसे समय में इन दोनों के बीच में जो जुताई का समय है क्या वो रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए, या सीधे जब मानसून शुरू होने वाला है उस समय पर भी अगर वो एक बार गहरी जुताई करते हैं उसका फायदा होगा? देखिए क्या है कि अगर उनको अभी नमी मिल जाए और जो जुताई कर देंगे तो उनको अभी ज्यादा फायदा इसलिए हो जाएगा कि अभी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि जो भी कीटाणु कीड़े मकोड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा फायदा इस गहरी जुताई का ये मिलने वाला है। दूसरा क्या होता है कि मानसून शुरू होने के पहले भी लगातार उनको एक आध बार जुताई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय पानी जैसे जब खेत में नमी रहती है तो वो कर दे, और उसके बाद खेत जब खुला रहेगा तो हो सकता है कीड़े मकोड़े शायद ना पड़ पाए कि कुछ समय टेम्परेचर भी कम हो जाता है, लेकिन खरपतवार क्या हो गए, बहुत सारे खरपतवार उगेंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे जुताई होती जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। तो ये जानकारियां हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और मेरा तो हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वास्तव में कृषि को वो व्यवसाय के रूप में देखना शुरू कर दें क्योंकि आने वाला समय उसी का है, और आजकल तकनीकी इतनी ज्यादा आ गई है कि उस तकनीकी का इस्तेमाल करके पैदावार का जो वास्तव में ले रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, और जैसे जैसे वो व्यवसाय के रूप में कृषि को लेते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रबंधन को सीखते जाएंगे। क्योंकि आप बरसात में चले जाइए, आप कई बार हम लोग जाते हैं खेतों में देखते हैं कि खेत में तो खरपतवार बहुत ज्यादा है लेकिन वहां के लोग जो है चबूतरे पर बैठ करके अपना समय व्यर्थ में गमा देते हैं, तो पौधे को देखना, खेत को देखना, उसको समझना ये किसानों के लिए बहुत आवश्यक होगा। अगर शायद जिस दिन वो समझ जाएंगे
और उनको ज्ञान की आजकल इतने जरिया हो गया है, इतने ज्यादा साधन ज्ञान के हो गए हैं कि ज्ञान समय समय पर मिलता ही रहता है। ज्ञान का भी एक तरीका है नरेंद्र जी कि आपको खुद ही जाकर ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल है, ऐसा है, ज्ञान तो आपको खुद से पहल करना सोचना पड़ता है। और इसीलिए हम किसानों को जागरूक करने के लिहाज से इस तरीके के कार्यक्रम रखते हैं। दूसरी बात यह कि जब खेत यूं ही खाली पड़ा है आपका, और मान लीजिए आपने धान की फसल ली है, अगली फसल कुछ आप और लेना चाहते हैं, ऐसे समय में क्या सॉयल टेस्ट, जैसा कि आजकल कार्ड भी बन गया है, गवर्नमेंट इससे मदद भी कर रही है, आपको अपनी मिट्टी की सेहत की भी जानकारी हो जाएगी कि क्या इसमें कमी हुई है या क्या हम इसमें बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण समय होता है प्रबंधन के लिहाज से भी? देखिए, बहुत आपने ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। किसानों को जब मैं वहां पे शायद मैं कहीं दूसरे रास्ते में पहुंच गया था, आपने सही लाइन में ला लिया है। देखिए, जब किसान हमारे पास हमारे किसान ये सोचने लगेंगे कि हमें कम से कम 6 से 8 महीने फसल लेना है, उससे हमारे परिवार की आमदनी होगी, तो वो सारी चीजों को शुरू कर देंगे। इसमें उनको खरीफ से ही पूरे साल भर की योजना बनाने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उसमें दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो उन्हें फसल की प्रजातियां हमें कौन सी चुनना है, क्योंकि जहां पानी है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पानी नहीं है वहां के लिए विशेष आवश्यक है कि हम धान की कौन सी प्रजाति, क्योंकि धान की आज की आज जो हम देखे तो 100 105 दिन से लेकर के 160 दिन 180 दिन की प्रजातियां, तो उनको सोचना पड़ेगा कि धान की कौन सी फसल लें ताकि हमारे खेत में नमी बनी रहे और हम दूसरी फसल ले पाए। और दूसरी फसल में बहुत आजकल तो ऐसे यंत्र आ गए हैं कि आपको जुताई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको धान काटने के बाद उसको चला दें हमें ट्रैक्टर से, आप डायरेक्ट सीडिंग हो जाती है। और नमी जैसे चना मसूर सूरमुखी जैसे फसलें हैं, वो अगर आपकी जो भर्री या कन्हार या डोसा जैसी भूमि है जो करीब आधे से ज्यादा है, और उसमें तो निश्चित तौर पे दो फसल ले जा सकती है, उसमें इतनी नमी रहती है कि उसमें दो फसल ले जा सकती है। लेकिन अगर इसको करना है तो उनको पहले धान की प्रजातियों का चुनाव करना पड़ेगा, हम कौन सी फसल लें ताकि हमारी फसल जल्दी कट के हम दूसरी फसल की तरफ जा सके ला सके। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट रूप से आपने कहा कि फसलों के मृदा के परीक्षण की बात की, वो बहुत आवश्यक है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में काफी कुछ जोर दिया है और ये वास्तव में किसानों के लिए काफी लाभदायक पहलू है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे किसान फसल तो उगा रहे हैं लगातार, कई बार ये होता है कि वो एक ही फसल लगातार लिए चले लगातार ले, उत्पादन कम होता जाता है। उत्पादन कम इसलिए भी होता जाता है, क्या होता है मुख्य रूप से, अगर हमारे पास मृदा परीक्षण या मृदा का परीक्षण की जानकारी नहीं है, हम किसान क्या देता है उसमें नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस देता है, स्फुर देता है, उसके अलावा तीसरी जिंक कई बार दे देते हैं, कई बार सल्फर दे देते हैं, लेकिन पौधा तो अपने करीब 19 तत्व खींचता है जमीन से। और जहां तक ये पोषक तत्व की बात है, जिस तरह की हम जानते हैं कि हमारे अगर आयोडीन न खाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग, एक ही तत्व है कि अगर वो कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, बोरान कमी हो जाए दूसरे रोग हो जाते हैं, या कोई मतलब सभी तत्व बहुत जरूरी है, सभी तत्व चाहे वो कम मात्रा में लगे लेकिन आवश्यक है, अगर वो नहीं है तो कोई ना कोई बीमारी जकड़ लेती है, अगर हमको जकड़ लेती है तो पौधों को भी जकड़ लेती है। तो ये समय है जब आप अपनी मृदा परीक्षण करा के उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ, मृदा परीक्षण करा लें और जो फसल लगाएं उसको क्या उर्वरक की मात्रा लगती है, उर्वरक की मात्रा। दूसरी चीजें विशेष रूप से आप हम गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद की बात करते हैं या जैविक खादों की बात करते हैं, सड़ी हुई जो गोबर है ना, और इस तरह की खाद की जो जैविक खाते हैं या हरी खाद की जो बात करते हैं हम, इस तरह के खादों का भी समावयन होने से बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मृदा की उर्वरकता। देखिए, मृदा में एक चीज हम कृषि में बोलते हैं कि जो जीव है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका एक जीवांश माना जाए, या जीवांश जो है पौधे का जीव है, जमीन का जीव है, इसलिए मिट्टी के जीव तत्व को बनाए रखने के लिए हमें यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसमें हरी खाद दें, गोबर की खाद दें या जैविक खाद का उपयोग करें, इस तरह की केचुआ खाद है या जो इस तरह की खाद आती हैं बहुत सारी, इनका उपयोग किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर हमें एक मृदा परीक्षण करके जो हमारे पौधों को 19 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसको जमीन में देने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी नरेंद्र जी, क्योंकि किसान के पास आज व्यवसाय के तौर पर अगर वो खेती को लेता है तो ही उसके लिए आगे बहुत अच्छा विकल्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे खेती किसानी से जुड़े एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।